वेलकम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज की वीडियो में हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक स्मॉल सा टूर कराएंगे, बैक टू यूनिवर्सिटी लाइफ। हमारी वेकेशंस ख़त्म हो गई है, समर वेकेशंस, और आज हम वापस यूनिवर्सिटी आया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा, बट मैं आया हूँ कि फ़र्स्ट डे है। तो आपको अपनी डिपार्टमेंट का और अपनी यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा टूर कराते, और अगर कोई दोस्त आया हो तो उनसे भी मुलाकात कराते। तो चलिए चलते। ओके गाइस, तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड, हमारे डिपार्टमेंट का ये ग्राउंड एरिया है, ठीक है। वो सामने जो आपको डिपार्टमेंट दिख रही है ना, वो वाली, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वो क्रिमिनोलॉजी की डिपार्टमेंट है। ये है जी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर। यहाँ पे अंदर अलाव नहीं है, बट अगर हो सके तो हम आपको दिखा देंगे, और मैं अब आपको अपना डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो ये है जी हमारा डिपार्टमेंट IPCS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। ये पेशावर यूनिवर्सिटी में है, ये हमारा ग्राउंड है। दिस इज़ बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर, जैसे कि आपको दिख रहा है। अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तीनों बिल्डिंग बहुत ही प्यारे हैं, सामने वाला भी और हमारे डिपार्टमेंट की तो बात ही अलग है, ये वाला भी। ओके, सो थोड़ा सा दूर से भी देख लीजिए जी, हमारे डिपार्टमेंट है IPCS, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। और ये है जी बिल्डिंग बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर का, और अब आपको हम लेके चलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की तरफ। ओके जी, तो हम आ गए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी की तरफ। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये क्रिमिनोलॉजी की बिल्डिंग है। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी, बहुत बड़ी है, आप चलते फिरते थक जाएंगे, लेकिन ख़त्म नहीं होती। ये अपने आप में एक सूबा है, एक प्रोविंस है। हमारी डिपार्टमेंट का अलग हिस्सा आ गया, बिलीव मी। अब अंदर जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में। ओके जी, सो हम आ गए हैं, जिस तरह का स्वैग है डिपार्टमेंट का, उसी तरह की एंट्रेंस भी है। ये जी हमारा डिपार्टमेंट, और ये है हमारे डिपार्टमेंट की एंट्रेंस। दिस इज IPCS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, एंड बैक टू यूनिवर्सिटी लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स। तो चलिए चलते हैं अंदर और अपने स्टाफ से करते हैं मुलाकात, अगर होगी तो लेट्स गो। ओके गाइस, सो मैं अंदर आ गया, फ़िलहाल कोई भी नहीं है, आपको थोड़े क्लासेस दिखा देते। ये है जी हमारा क्लास, ठीक है। ये सारे चेयर्स वहाँ पड़े हुए, और ये बोर्ड, ये मल्टीमीडिया, इस पर वो सामने दीवार पे प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं या कुछ दिखाना हो तो। हमारे क्लासेस में एसीज भी होते हैं। चले आपको लेके चलते हैं अपने कॉमन रूम। ओके भाई, ये सामने वाला ऑफिस है, और ये है जी बॉयज़ का कॉमन रूम। दिस इज़ बॉयज़ कॉमन रूम। यहाँ पे क्लासेस जब ख़त्म हो जाते हैं ना, इसको आप बेसिकली सरकारी बैठक भी कह सकते हैं, क्योंकि जब क्लासेस ख़त्म हो जाते हैं और कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे बंदा बैठ जाता है, चिल्ला करता है। बेशक आप यहाँ पे लेट भी जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये एक सरकारी बैठक सा होता है, और यहाँ पे भी इसे लगा होता है। हम बहुत ही लकी है कि हमारे क्लासेस के साथ साथ कॉमन रूम में भी एसी लगा है, लोगों के क्लासेस में भी नहीं लगा होता, और हमें थोड़ा सा देख ले, खैर है, कुछ नहीं होता। अरे जी, आपको ऊपर लेके चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल, वो खुला है या बंद है। अगर खुला है तो आपको वहाँ भी लेके जाते, अगर बंद हो तो फिर गिला ना कीजिएगा। तो हम आ गए हैं, ये है जी कॉम एग्जामिनेशन हॉल। मुझे पता था ये होना है, ये बंद है। चले कोई नहीं, आपको यहाँ अपनी डिपार्टमेंट से नीचे ग्राउंड की व्यू दिखा देते हैं, पर किसे
लुक एट दिस अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल व्यू। ये सर्दी में बड़े मज़े का लगता है यार, गर्मी में उतने मज़े का नहीं लग रहा। चलिए, मैं सर्दी में बहुत मज़े का लगता है। चलिए लेके चलते हैं आपको गर्ल्स कॉमन रूम, अगर कोई हुआ नहीं वहाँ तो। ओके जी, तो हम आ गए हैं जी गर्ल्स कॉमन रूम में। हाँ, लकीली कोई नहीं है। सो ये है जी गर्ल्स कॉमन रूम। यहाँ पे एसी है क्या? नहीं है। हाँ, नहीं है जी। गर्ल्स कॉमन रूम में एसी नहीं है, ये हम लड़कों के लिए लगाए। और मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ जिससे आपको यही लगे कि ये गर्ल्स का ही। देखिए जी, सारा लिपस्टिक, इधर लिपस्टिक उधर लिपस्टिक, पता नहीं कहाँ कहाँ लिपस्टिक। तो गर्ल्स कॉमन रूम में एसी नहीं है, ये मैंने पहली बार देखा है। लेकिन यहाँ से व्यू बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। तो चलिए अब कोशिश करते हैं कि आपको लेके चले अपनी लाइब्रेरी। आई होप लाइब्रेरी खुली हो क्योंकि इट्स सो अर्ली। चले जाते हैं। ओके गाइस, तो जैसे आप देख सकते हैं ये सामने लाइब्रेरी है और ये बंद है क्योंकि यार बहुत अर्ली है। अभी सब अभी टाइम चेक करें। तो जी ये लाइब्रेरी है, खैर यहाँ से देख ले, यहाँ पे तीन चार एसी लगे हुए। नोटिस बोर्ड पे क्या क्या लगा है? हमारे डिपार्टमेंट के 3 फ्लोर्स हैं। आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एक बेसमेंट भी है। ये नोटिस बोर्ड है। तो चलिए लाइब्रेरी और हॉल तो बंद है, आपको लेके चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे खैर कुछ है नहीं, बस सिर्फ टीचर्स के लिए क्या कहते हैं उसे, ऑफिसेज है और एक कॉन्फ्रेंस रूम है, मीडिया सेल है ये। ये है जी मीडिया सेल, यहाँ पे मीडिया को ब्रीफिंग दी जाती है अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो या फिर कुछ भी हो। ये दाएं बाएं जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे जी ऑफिसेज हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं ऊपर रूफ पे, अगर रूफ खुला हो तो। ये हम जा रहे हैं जी ऊपर रूफ टॉप पे, एंड आई होप रूफ टॉप खुला हो। है तो खुला ही, लेकिन देखते हैं कि दरवाजा भी खुलता है या नहीं खुलता यार, ये पीछे से बंद किया हुआ है। तो कोई नहीं, हम आपको बेसमेंट में लेके जाते हैं, चले चलते हैं बेसमेंट। ओके गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं बेसमेंट। आपको बताता चलो कि जब एसीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कुछ भी होता है, एसीज नहीं लग रहे होते गर्मी में, ये पावर सप्लाई है, तो हम फिर बेसमेंट में क्लासेस लेते हैं। और ये बहुत ठंडा भी होता है बेसमेंट में, क्लासेस ऐसे हैं। बेसमेंट में जो कि एसी नहीं होता, सिर्फ पंखे होते, तो इसलिए एसी नहीं है यहाँ पे। और ये दूसरा क्लास है, ये भी जी सेम तरह का ही क्लास है। बेसिकली हमारा क्लास ये है, ठीक है। वो दूसरा जो होता वो जूनियर से होता। ये हमारा क्लास है बेसमेंट में। ऊपर वाला जो मैंने पहला क्लास आपको दिखाया था वो हमारा था, और ये जूनियर्स का है बेसमेंट में, और अभी जो मैंने आपको बेसमेंट वाला दिखाया वो हमारा था। आई होप गाइज आपको हमारा ये छोटा सा एपिसोड पसंद आया होगा, एक छोटा सा टूर अपने डिपार्टमेंट का, जिसमें कोई है भी नहीं फिलहाल, लेकिन पहला दिन है जो इसलिए कोई नहीं आया। तो जब कोई आएगा तो इंशाल्लाह आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाएंगे और यूनिवर्सिटी का टूर भी कराएंगे। ये स्मॉल सा टूर था हमारे डिपार्टमेंट का, और हमारे डिपार्टमेंट के साथ एक और डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी है और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर नहीं छोड़ते, जब कोई एक्सपो ना हो या कोई इवेंट ना हो तो इसलिए वहाँ अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। और क्रिमिनोलॉजी का डिपार्टमेंट चूँकि हमारा डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर ऐसे हर क्लास में और लाइब्रेरी और कॉमन रूम में जाना थोड़ा सा वियर्ड लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। ओके गाइस, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक
हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा वीडियो, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।